संडे मार्केट सुपेला में घड़ी चौक से गदा चौक के बीच अवैध रूप से सड़क से लगकर व्यापार कर रहे दुकानदारों के खिलाफ नगर निगम ने विशेष अभियान चलाया। इनसे जुर्माना वसूलने के साथ भविष्य में सड़क पर व्यापार करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। एक बार फिर से नगर निगम प्रशासन, यातायात पुलिस और पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से संडे मार्केट सुपेला में घड़ी चौक से गदा चौक के बीच अनाधिकृत रूप से सड़क किनारे व्यापार कर रहे लोगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया है। कार्रवाई करने नगर निगम की टीम संडे मार्केट सुपेला में सुबह 8 बजे से ही सारे लाव लश्कर के साथ उपस्थित हो गयी थी। अभियान का नेतृत्व नगर निगम के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने किया। अवैध कब्जेधारियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में नगर निगम जोन 1 कार्यालय और जोन 2 कार्यालय के राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम भी विशेष रूप से उपस्थित रही। तोड़फोड़ दस्ते के कर्मचारी भी भारी संख्या में शामिल हुए। कार्रवाई से एक दिन पूर्व ही नगर निगम प्रशासन द्वारा घड़ी चौक सुपेला से गदा चौक के बीच चूने से मार्किंग की गई थी। साथ ही यहां व्यापार कर रहे दुकानदारों से चूना मार्किंग से बाहर व्यापार नहीं करने की अपील की गई थी। रविवार सुबह लाव लश्कर के साथ पहुंचे निगम अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने सुपेला घड़ी चौक से की शुरुआत की। घड़ी चौक सुपेला के आसपास अनाधिकृत रूप से सड़क किनारे सामानों को रखकर व्यापार कर रहे दुकानदारों से जुर्माना वसूल कर उन्हें मौके से हटाया गया। कार्रवाई का यह सिलसिला सुपेला घड़ी चौक से गदा चौक तक सड़क के दोनों ओर लगातार चलता रहा। इस विशेष अभियान में नगर निगम की टीम ने किसी भी दुकानदार को नहीं बख्शा। जो भी दुकानदार अवैध रूप से सड़क किनारे व्यापार करते पाया गया उसे मौके से बेदखल किया गया। कार्रवाई के दौरान नगर निगम के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी अधिकारियों कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते नजर आए। जिन अवैध दुकानदारों को मौके से हटाया गया उन्हें भविष्य में सड़क किनारे व्यापार करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी निगम अधिकारियों ने दी। नगर निगम की कार्रवाई से प्रभावित हुए कुछ दुकानदारों ने कार्रवाई को उचित ठहराया तो वहीं कुछ दुकानदारों ने इसे भेदभाव पूर्वक भी बताया। अब ये क्या है, सतत प्रक्रिया है, जो सड़क पर जो कब्जे रहते हैं, आवागमन बाधा होती है, उसको हटवाने की कार्रवाई की जाती है। आयुक्त महोदय, अपर आयुक्त महोदय के आदेशानुसार कल चूना मार्किंग की गई थी और उसके बाहर जो आज पाए गए हैं पर चालानी कार्रवाई की जा रही है और कब्जे हटवाने की और जब्ती कार्रवाई भी की जा रही है। नहीं, अब कार्रवाई करते हैं उसके बाद फिर अगले संडे की तरफ आदेश जैसा होता है तो हर संडे पर आप कोशिश करते हैं कि हटा रहे कब्जा, लेकिन अब दुकानदार लोग भी कुछ व्यवस्था की जा रही ताकि परमानेंट कोई व्यवस्था हो सके। नहीं, नोटिस नहीं दिया गया है। नहीं, अभी जो पाए गए अभी 4-5 कब्जे पाए गए, बाकी सब हट चुके थे, कोई कब्जे पाए नहीं गए अभी आज की डेट में। सब हम लोग आए पूरा सब हट चुके थे, सामान रखा था उसकी वजह से हमारा फाइन हुआ। ठीक है, गलती किया तो उसको फाइन देना ही पड़ेगा, क्योंकि तो कार्रवाई ठीक है। नहीं, हमारे द्वारा सामान नहीं रखा जाता है और बाजार के द्वारा कोई दिक्कत नहीं। बाजार तो सप्ताह में एक बार लगता है, शराब भट्टी के पास आप आगे जाके देखो डेली का जाम लगे रहता है। निगम वाले वहाँ भी जाके कार्रवाई करना चाहिए। अब वहाँ 150 फीट का रोड है, यहाँ 30 फीट का रोड है। अब लोग एक दिन का व्यवसाय करते हैं बाजार में, रोज रोज तो नहीं लगाते। अब फर्नीचर का ऐसा सामान है कि आप मतलब हम लोग लाते और तुरंत बेच देते, क्योंकि आप कल संडे का करके दुकान लगती करके उसको नहीं हटा पाए, इसलिए कार्रवाई हुई है। तो वो ठीक है, फर्नीचर की हुई है तो बाजार का तो कोई दिक्कत नहीं। निगम द्वारा जगह नहीं बताई गई, मगर जगह नहीं बताई गई है निगम द्वारा। सामान हम लोग हमेशा से रखते हैं, मगर अब हटा दे रहे हैं कि हमारा सामान तो तुरंत बिक जाता है। कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहे नगर निगम जोन 2 के सहायक राजस्व अधिकारी जगदीश तिवारी ने बताया कि निगम की यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। सड़क किनारे किसी को भी अवैध रूप से व्यापार नहीं करने दिया जाएगा। 40 से 50 व्यापारी है यहाँ पर, संडे बाजार 40 साल 45 साल से भर रहा है। आपको नगर निगम से कोई आपत्ति नहीं है, प्रशासन से कोई नहीं है, पुलिस से कुछ नहीं है। प्रशासन ने हमको कम से कम 1.5-2 साल पहले जमीन दी, मतलब सबके लिए है, हर कास्ट के लिए, हर एक के लिए है। पार्किंग की जगह दी थी, पार्किंग के अंदर में अवैध रूप से मतलब कचरा गाड़ी भरा जा रहा है वहाँ पर, अब फर्नीचर रखा जा रहा है, बड़ी गाड़ी 4-व्हीलर गाड़ी खड़े जा रही है। तो कार्रवाई करती है नगर निगम, तो उठते ही पुरता खाने पुरता चले जाती है। हर 2 महीने में 3 महीने में आएगी, उनको हटाएगी, फिर ला के वो खड़े कर देंगे। तो सबसे पहले ये काम हल करिए, बाकी हमसे कोई आपत्ति नहीं है। बाजार भरेगा संडे का और हमेशा के लिए बाजार भरेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं पहला संडे मार्केट में, सवेरे के लगभग 9 बज रहे हैं। आप देख सकते हैं नगर निगम प्रशासन द्वारा कल शनिवार को जारी की गई चेतावनी के फलस्वरूप अब सुपेला संडे मार्केट से अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसकी शुरुआत घड़ी चौक सुपेला से की गई है। यहाँ पर नगर निगम प्रशासन के सभी जोन के राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ
यातायात पुलिस के जवान, आदि सभी मौजूद है यहाँ पर। हम आपको बताना चाहेंगे कि तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह जी के समय से ये कार्रवाई शुरू हुई। उनके द्वारा लगातार ड्रोन के माध्यम से कैमरों से पूरे सिलसिला संडे मार्केट की मॉनिटरिंग की जा रही थी, निगरानी की जा रही थी। उसके पश्चात जो कब्जा करके यातायात को बाधित करते हैं व्यापारियों, उनको समझाइश दी गई। समझाइश का असर नहीं होने के बाद यहाँ पे लगातार कार्रवाई शुरू की गई थी। कार्रवाई का असर ये देखने को मिला था। उसके बाद ये पहला संडे मार्केट में जो दूर दराज के क्षेत्रों से व्यापार करने आते हैं व्यापारियों के अलावा स्थानीय व्यापारियों द्वारा सड़क के किनारे हर रविवार को जो उनके द्वारा बाजार लगाया जाता था अवैध रूप से, उसे बंद कर दिया गया था। लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों से स्थिति फिर जस की तस हो चुकी है। कुपेला संडे मार्केट पूरी तरह से बाधित रहता है। अगर संडे की यदि बात छोड़ दी जाए तो सोमवार से लेकर शनिवार तक इस तरह से आवाजाही करना मुश्किल हो जाता है। पहिया चालकों से लेकर छोटे टॉप पहिया वाहन चालकों तक नगर निगम प्रशासन द्वारा केवल खानापूर्ति की जाती रही है। आज दिनांक तक जो सड़क में ठेले खोलते में अपना व्यापार करते, शाम के समय स्थिति और खतरनाक हो जाती। दिन में तो लोगों की आवाजाही किसी तरह से बने रहती है, लेकिन शाम के वक्त लगातार टेलीफोनों में लोगों की भीड़ उमड़ती, जिसके वजह से लोग अपने वाहनों को सड़कों पर पार्क करते हैं। इस सड़क में पार्क करते सुपेला खड़ी चौक सुपेला से लेकर के गदा चौक सुपेला तक दोनों ओर का यातायात बाधित रहता है। इसी दौरान यदि कोई एम्बुलेंस किसी घायल व्यक्ति को लेकर, किसी बीमार व्यक्ति को लेकर के निकलना चाहती है, तो उसके लिए बहुत रास्ता पार करना असंभव हो जाता है। इसी के फलस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो चुकी है लगभग 2 वर्ष पूर्व। इसी जाम की स्थिति के कारण संडे मार्केट को बाजार लगा हुआ था, एम्बुलेंस सड़क पर क्रॉस नहीं कर पाई, भीड़ से निकल नहीं सकी, जिसकी वजह से मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सका और उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यह स्थिति लगातार बनती रहती है, क्योंकि आज फिर नगर निगम प्रशासन द्वारा हमेशा की तरह से फिर एक बार चूना मार्किंग कर यहाँ पे यातायात व्यवस्था को बहाल करने, जो अवैध रूप से सड़क के दोनों ओर व्यापार करते हैं उन्हें हटाने फिर से एक बार कार्रवाई शुरू की गई है। निगम की टीम सवेरे से यहाँ पे मौजूद है, लगातार दुकानदारों को समझाइश देने के साथ उनसे जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है। लेकिन इसे देखकर कहीं यह कह पाना मुश्किल है कि व्यापारी नगर निगम द्वारा बताए गए नियमों का पालन करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सामने ही देसी शराब दुकान है। देसी शराब दुकान में शराब पीने आए शराब के शौकीनों का सवेरे से रात 9 बजे तक जमावड़ा बना रहा था। पूरी जितने भी शराब जो सेवन करने आते हैं शराब भट्टी में अवैध रूप से चकना सेंटर में शराब पीने जो आते हैं, उनके द्वारा अपने वाहनों को सड़क में पार्क कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती है। शराब पीकर शराब भट्टी से निकले लोगों द्वारा महिलाओं और जो बच्चे निकलते हैं आसपास उनसे गाली गलौज करने के साथ साथ उन्हें धमकी भी दी जाती है। लगातार यह स्थिति प्रतिदिन की निर्मित होती है। इसके लिए कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा शराब भट्टी हटाने की मांग भी की गई थी, लेकिन चूंकि उसमें वरिष्ठ अधिक जिला प्रशासन के अधिकारियों का आदेश जारी होने के बाद भी नगर निगम के द्वारा दूसरा स्थान उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सका, जिसकी वजह से इस मुख्य मार्ग पर शराब भट्टी का संचालन हो रहा है और लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। नगर निगम द्वारा जो अतिरिक्त निर्माण हुआ शराब भट्टी के सामने, उसे हटाने अभी फिलहाल किसी तरह की कोई पहल नहीं की गई है। चेतावनी दी जा रही है, लोगों को अपील की जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन घड़ी चौक सुपेला से लेकर के गदा चौक सुपेला तक स्थिति बहुत खतरनाक होती है। इस रास्ते से आवाजाही करना बहुत खतरनाक साबित होता है दोपहिया वाहन चालकों के लिए, साथ ही जो महिलाएं अपने बच्चों को लेकर के निकलती उनके लिए। नगर निगम प्रशासन की यह कार्रवाई तो हालांकि अभी सार्थक होती है या नहीं होती है कहना मुश्किल है, लेकिन आज निगम के अधिकारियों से चूंकि हमारी बात हुई तो उनका कहना कि अब लगातार इससे बाजार की मॉनिटरिंग की जाएगी, अवैध रूप से जो काबिज होते हैं उन्हें लगातार हटाया जाएगा, जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी, ताकि लोगों को सुविधाजनक और सुरक्षित आवागमन का लाभ मिल सके। अब निगम के अधिकारियों का दावा कितना असरदार साबित होता है, कितना कारगर साबित होता है, इन दोनों तरफ सुपेला गदा चौक की दोनों तरफ की सड़कों से अवैध कब्जे हटते हैं कि नहीं, यह अगले संडे को देखने को मिलेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे।